Hi, good evening, everyone. Hi, guys. Hi, Nurul, Divyanshi, Shikha, and everyone else. Yeah, good evening, guys. Welcome to the session. As you all know, we start the session right on time. So make sure that you are being here sharp as per the timing. For example, on Saturdays, we'll have session at 6 o'clock. This is an extra class, actually. Once again, from Monday, it will be at 8 p.m. Okay. चलो दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का सेशन. हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सब लोग? अच्छा, मैंने एक एंड वाला क्वेश्चन पोस्ट किया था, क्या आपने किसी ने ट्राई किया उसका? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट यू वुड एवर सी. ठीक है, मतलब मुझे समझाते हुए ही तेल निकल जाएगा उसको, ऐसा क्वेश्चन है वो. ठीक है, चलो तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले. जैसा कि आपको पता है, हर एक सेशन में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं नए वेराइटी के, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिले. चलो जस्ट अ सेकंड गाइस, एक बार मैं जस्ट क्रॉस चेक कर लेता हूँ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं. चलो नहीं तुषार, ये सीमैट के लिए नहीं है, मतलब कैट के लिए ही है ये पर्टिकुलर आज का सेशन. तो सीमैट में जो कैलकुलेशन बेस्ड जाता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लेंगे आज. ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका कैट का है. जो पहले दो सेशन थे उसमें सीमैट के लिए आपको मिल जाएगा, तो पहले दो सेशन देख सकते हो. ठीक है, चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं. मेक श्योर कि आप सब लोग टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया हुआ है. ठीक है, सो गाइस ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, एलओडी जिसको कहेंगे 5. ठीक है, सो इसको हम लेते हैं. बट उससे पहले, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करेंगे, सो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़े से आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, समथिंग दैट यू कैन डू विथ ईज. बट ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो है, इसमें आपकी एक्यूरेसी वगैरह अच्छी खासी टेस्ट होगी. ठीक है, तो पहले ये वाला पजल ले लेते हैं, फिर हम वो एंड वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे. चलो, सो गो थ्रू द डेटा, रीड दिस पॉइंट केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन. मैं पोल शुरू करूंगा, पहले आप पढ़ लो. नहीं विशाखा, ये तो मैंने बनाया है, मतलब कैट में कह सकते हैं. अभी कोई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसको एलओडी इनफाइनाइट भी कह सकते हो. ठीक है, नहीं मतलब इनफाइनाइट तो वो होता है जो किसी से सॉल्व ना हो, तो इनफाइनाइट तो नहीं आता है. बढ़िया, कह सकते हैं एलओडी 5. जस्ट किडिंग गाइस, एलओडी 3 ही होता है. और उसमें भी अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो वो आपका मतलब हो सकता है सॉल्व. चलो तो मैं पोल शुरू कर देता हूं.
उसको ट्राई करो। और इस पे रबी फूड ग्रेन कहाँ पे है, बस वो समझ में आना चाहिए। वही समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। गुड, नीचे दिया है भाई। ये तो भूगोल में था 10th में। अच्छा, वैसे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये सब तो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी था, 4, 4, 12, 11, ये सब नहीं आता था फर्स्ट स्टैंडर्ड में। फिर मतलब वो आपके ऊपर है, आप कैसे सोचते हो, है ना। चलो दोस्तों, सो यहाँ पे आपको क्लियरली बताया हुआ है कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन is equal to production of rabi food grain plus production of kharif food grain. तो can I say food grain में से अगर total में से मैं अगर kharif हटा देता हूँ तो मुझे rabi मिल जाएगा। इन दोनों का difference मेरा rabi है। So guys, Y1 में rabi कितना है बताओगे? Rabi food grain कितना आएगा? तो 108 minus 69 कितना आ जाएगा? दोस्तों, can I say it's going to be 39? Everyone, Y1 में 39 आएगा। Similarly, year 2 में कितना आएगा? 130 माइनस 78, 52। फिर ईयर 3 में कितना आएगा? अब ये काफी आएगा, 77। ईयर 4 में कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस 95। एंड ईयर 5 में कितना आ जाएगा? 106। ठीक है, 106। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं, सो गाइस, दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 33%, 33.33%। This is an increase of, can I say 52 पे 25 का increase है, so it's close to 50% increase, can I say close to 50% increase, yeah, while this is not 50% increase, this is not 50% increase, so can I say Y3 में सबसे ज्यादा increase हुआ है दोस्तों, do you all agree, everyone, क्या ये समझ में आ रहा है? पहले तो आपको रबी एंड खरीफ दो टाइप के फूड ग्रेन है, उसका टोटल आपको दिया हुआ है और खरीफ का वैल्यू दिया है, उसका डिफरेंस रबी हो गया तो उससे मिला, और फिर आपको परसेंटेज चेंज देखना था। ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन सिमिलरली। सो दिस क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन, मेनली टेस्ट योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड कैलकुलेशन एक्यूरेसी, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करना। फिर इसके बाद हम थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन लेंगे। दिस इज द स्टार्टर। हाँ, ये वाला सेट, ऐसा सेट आपका सीमेंट में आ सकता है बाय द वे। ठीक है, फिर कुछ आगे पजल दूंगा, वो प्योरली कैट के लिए है। चलो ओके, सो गाइस, फ्रॉम वाई टू टू वाई फाइव फॉर विच क्रॉप वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रबी क्रॉप प्रोडक्शन द हाइएस्ट? वाई टू से वाई फाइव कहा है, ठीक है, रबी क्रॉप का हाइएस्ट होना चाहिए, तो राइसेस, पल्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, तो हमें फूड ग्रेन तो देखना ही नहीं है, सीरियल्स का देखेंगे। सो गाइस, रबी का कितना है सीरियल्स में? हाँ, रबी का कितना है?
सो 26 प्लस 19 45 का कितना हो गया, यहां पे कितना हो गया, कहने से बहुत ज्यादा हो गया, ये तो देख के पता चल रहा है। सो ये आपका कितना आ जाएगा, 97। डू यू ऑल अग्री, 45 का 97, इट्स मोर देन 100% इंक्रीज। अब दूसरे किसी में देखते हैं क्या 100% है कि नहीं। अगर जैसे पल्सिस का देखते हैं तो ये कितना था 7 और ये कितना हुआ 9, सो नहीं है 100% तो नहीं है, ये 4 है और यहां पे कितना हो गया दोस्तों, यस यहां पे 13 हो गया। तो 4 का 13 कैन आई से इट्स 200% इंक्रीज, टू मोर देन 200% इंक्रीज, है ना। और ऑयल सीड्स में देखेंगे तो ये 4 है और 10 हो गया, तो डेफिनेटली 200% से तो कम ही आएगा। सो गाइस ये क्या आना चाहिए, राइसेस आना चाहिए कि नहीं। सो राइस में मैक्सिमम इंक्रीज है, इट्स मोर देन 200%। 4 का 10 मतलब देखो 4 का 8 होता है तो 100% इंक्रीज, याद रखना। एक चीज मैं बता देता हूं गाइस, n टाइम्स होता है ना, n टाइम्स होता है तो याद रखना n माइनस 1 इंटू 100% का इंक्रीज हुआ। परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ, n माइनस 1 इंटू 100%। जैसे अगर 2 टाइम्स हुआ तो आप कहोगे 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज। अगर 2.5 टाइम्स होता है तो आप कहोगे 150% इंक्रीज, एंड सो एंड सो फोर्थ। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, बेसिक चीजें हैं परसेंटेज की, गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे पॉइंट्स में, ठीक है। चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रबी सीरियल्स फ्रॉम Y1 टू Y5। कैन आई से वंस अगेन, दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन, सो एक्यूरेसी अपनी टेस्ट करो, 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। टाइम दे रहा हूं आपको, सो कर सकते हो। What was the average production of Rabi cereals? Rabi कैसे मिलेगा, फिर से cereals की बात है तो total में से खरीफ subtract करोगे तो Rabi मिलेगा, from Y1 to Y5, उसका average पूछा है आपको। ठीक है चलो, हाँ अरे भाई paid class होता तो तुम कैसे यहां पे attend कर सकते, उत्तम, ठीक है। मतलब ये तो वैसे ही हो गया यार, ट्रेन के अंदर चढ़ के तुम पूछ रहे हो कि क्या ये मैं ट्रेन में आना अलाउड है, मतलब वो तो फिर भी समझ में आता है, बट यहाँ पे तो डेफिनेटली, ठीक है ये तो फ्री क्लास है। चलो गाइस तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ गया डिफरेंस, देखो कितना है 32, फिर ये कितना हो जाएगा 45, हमने ये किया हुआ था ना, ये कितना हो जाएगा तो कहना इसे 68 दोस्तों, फिर ये कितना हो जाएगा 88 और ये 97। सो गाइस डिवाइड बाय, हमारे 5 साल है तो डिवाइड बाय 5 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा कि नहीं, एवरीवन यू ऑल अग्री। इनफैक्ट देख के ही पता चलेगा कि इतना छोटा वैल्यू तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये देखो सारे वैल्यू 45 से तो बड़े हैं, तो आप सीधे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों, से इट बिकेम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल टेक अप अ ट्रिकी वन, ट्राई फॉर दिस। ये देखो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, ऐसे ही दे दिया हो गया था, मतलब यार चलो छोड़ो कहां जाए इसमें। वैसे अगर सही में ऐसे ही दे दिया हो गया तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करके देते तो आईएम में जाते,
ये भी तो सोचो, इजन दैट वेस्ट ऑफ पोटेंशियल? From Y3 to Y4, what was the percentage increase in total rabi production of the five major crops? Once again, answer option se use kar sakte ho dosto. ठीक है, चलो गाइस, Y3 में रबी क्रॉप प्रोडक्शन कितना है फाइव क्रॉप्स का, फटाफट देखना पड़ेगा कितना आएगा ये. Can I say this is 77 plus, ये कितना आ जाएगा? So 68 plus ये 9 प्लस ये कितना हो गया आपका 8 एंड ये कितना हो जाएगा 9. सो गाइस ये टोटल कितना आ गया मेरा, हाँ 17 26 94 एंड 77 इट्स 171. डू यू ऑल अग्री विद दिस? करेक्ट दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली एक आध आगे पीछे होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हमारा Y3 का हुआ. सिमिलरली गाइस Y4 का कितना आएगा? So Y4 का करते हैं. So ये कितना है आपका 95 प्लस यहां पे कितना आएगा ये, कैन आई से 88, फिर ये 7, फिर ये कितना आ जाएगा आपका 12 एंड ये 6. तो ये टोटल कितना हो गया 25 113 एंड या 208 आएगा कि नहीं दोस्तों, 208 आया कि नहीं. सो व्हाट इज दिस परसेंटेज चेंज, व्हाट इज दिस परसेंटेज चेंज? तो कैन आई से 171 में आपका इंक्रीज हो रहा है 37 का. क्या ये समझ में आ रहा है? 171 पे 37 का इंक्रीज हो रहा है. अब सुनो, इसका 10% कितना होगा? 171 का 10% कितना होगा? 17.1, मतलब 17 ले लेते हैं. तो गाइस 20% कितना होगा? कैन आई से 20% विल बी 34. तो अगर यहां पे 34 होता तो मैं कहता ये 20% है, बट वो उससे 3 ज्यादा है तो 3 अप्रोक्सीमेटली 2% हुआ. सो 20 प्लस 2, 22% के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए. एक ही ऑप्शन है 22% के पास में. तो इस तरीके से टिक करो यार, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है. अगर आप सही तरीके से ध्यान रख के करोगे, मैंने पहले 3 सेशन, ये आज तीसरा सेशन है, इसमें भी मैंने जो आपको, सॉरी आज ये चौथा सेशन है शायद, इसमें भी मैंने जो आपको सिखाया है, अब उतना भी यूज करोगे ना आपके काफी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना. चलो ओके. सो यस रितेश, क्वांट के लिए तुम क्या कर सकते हो, Shah10 यूज करके प्लस में आ जाओ, ठीक है, एंड अटेंड माय प्लस क्लासेस. सो गाइस या यू आर गेटिंग 20% डिस्काउंट नाउ, सो गो फॉर दैट. डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कोड Shah10 इफ यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली, ठीक है. I just guide my plus students. बाकी आपको फिर क्लास वगैरह में आप क्वेरी पूछ सकते हो. आप अगर फ्रीली प्रिपेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए आपको क्लास में अपने क्वेरीज पूछने पड़ेंगे. पर जो पर्सनल गाइडेंस है वो आपको प्लस में मिलता है when you use code Shah10. The other benefits of plus and iConnect, ठीक है. चलो guys, 2 minutes. हाँ नहीं, मैं बकरा नहीं बनाता. देखो कोई किसी का बकरा नहीं बनाता. लोग आते हैं कि आते हैं ऐसे कहते हैं मैं, तो फिर ऐसा होता है, समझ रहे हो, ऐसा कोई नहीं होता है. चलो रितेश, बट फ्री सेशंस, यस इन केस इफ यू वांट टू डू इट थ्रू सेल्फ स्टडी, आप फ्री सेशन से करना चाहते हो ना, देयर कुड बी मेनी रीजंस, आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा कुछ है, आप प्लीज मेरे यूट्यूब के सेशन देखो, आगे कुछ और सीरीज भी आते रहेंगे तो उससे भी आप लर्न कर सकते हो. द ओनली थिंग इज कि फिर उसमें वही हो जाएगा कि देयर विल बी नो वन टू गाइड यू. जैसे SIBM में सिलेक्ट करूं या NMI में सिलेक्ट करूं, तो काफी सारे सवाल आते हैं स्टूडेंट्स को जहां पे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है. एनीवेज गाइस, प्लीज गो थ्रू द डेटा, इट्स अ नाइस सेट. जो मैं कह रहा था, इट्स कंप्लीटली LOD3. इसमें हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा बेसिक रखा है, फिर इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे. कितने लोगों को समझ में आया ये सवाल, मजा आएगा इसको.
चलो कहीं सब लोगों ने पढ़ लिया इसको, जल्दी से एक बार कंफर्म करो एवरीवन। शो मी थम्स अप इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन। फास्ट फास्ट गाइस, यार चार लाइन का तो क्वेश्चन है, चार लाइन का तो डेटा है, सॉरी। ठीक है चलो, प्लीज ट्राई फॉर दिस, मजा आएगा इसको करने में, समझाऊंगा आपको ऑफ कोर्स, ऐसे ही तो लॉजिक बिल्ड होगा ना। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ हाँ रितेश, आप खुद से ट्राई करो, मैं कहाँ आंसर बता रहा हूं। So what is the minimum number of ants that any ant of type B killed in war? Type B के ant ने, कोई भी ant ने maximum कितने type A के ant किए होगा, kill किए होंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से, any answer for this, guys? इट्स अ डेटा क्वेश्चन, सो आपको आंसर चैट बॉक्स में एंटर करना है। मोर देन 12, 24, ओके, और कोई आंसर? Rakshit is saying 28, 15, come on, everyone give a try यार, अब तो आपने डेटा पढ़ लिया, दो एंड ऐसे क्यू है, वो दिस इज टाइप बी एंड, वो ऐसे आगे जाएगी, ये ऐसे आगे जाएगी और मारती जाएगी, टाइप ए की हर एक एंड टाइप बी की फोर्थ एंड को किल करेगी, मतलब ये जो फर्स्ट एंड है वो इसको किल करेगी, फिर एट को किल करेगी, एंड सो एंड सो फोर्थ। सिमिलरली टाइप बी की एंड टाइप ए की हर सेवेंथ एंड को किल करेगी, तो गाइस ये सारे गलत आंसर है। आंसर इज वेरी सिंपल, सेवन यार, आई डोंट नो व्हाई यू कुडंट फिगर आउट, द आंसर इज सिंपल, सेवन। अरे दोस्तों इजंट दिस वेरी सिंपल, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, कैन आई से ये जो फर्स्ट एंड है बी वन, उसको तो कोई नहीं मारेगा, क्योंकि इसके लिए भी ये फर्स्ट होगी, इसके लिए भी ये फर्स्ट होगी, है ना, ये एंड सीधा किसको मारेगी, फोर्थ एंड को, ये एंड इसको मारेगी, ये एंड इसको मारेगी, ऐसा होगा कि नहीं दोस्तों, क्या ये समझ में आ रहा है? एवरीवन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, जल्दी से कंफर्म करो, यस और नो, है ना, ओके ठीक है। तो गाइस यहां पे यही चीज समझ दी थी, तो कहना है से ये बी वन जो है वो, अच्छा ए टाइप के कितने एंड से, 50 एंड से, उसमें से हर सातवें एंड को बी वन मारेगी, तो टोटल कितने क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन सेवन आएगा, मतलब सात एंड को मार पाएगी, तो कौन से नंबर की एंड को मारेगी, देखो यहां पे बता दो, बी वन विल किल कौन सी एंड, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए सेवन, ए फोर्टीन, ए ट्वेंटी वन, ये सबको मारती जाएगी अप टू ए 49, ये कितने एंड्स हुए, सेवन एंड्स हुए, तो हमें वही पूछा था ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंड्स दैट एनी एंड ऑफ टाइप बी, तो मैं बी वन ले लेता हूं, दैट टाइप बी विल किल इन द वॉर,
तो कहने से बी वन विल किल मैक्सिमम सेवन एंट्स, सिमिलरली बी टू भी सात ही एंट को मारेगी. गाइस बी टू भी अगर आप देखोगे तो सात एंट, सॉरी बी टू जो है ना वो सात एंट को नहीं मारेगी. कितने एंट को मारेगी बताओगे दोस्तों? अच्छा बी वन ने तो इतने एंट को मारा, बताओगे बी टू कितने एंट्स को मारेगी? हाँ मानसी सेइंग सिक्स, साइकद सेइंग सिक्स. अरे दोस्तों सिंपल ही है, ए के टोटल 50 एंड थे, उसमें से सात एंड को तो ये बी वन ने मारा, बचे कितने 43. अब ये 43 में सात के कितने मल्टीपल बचेंगे, मतलब सात के इंटरवल पे आप मारते हो तो कितने एंड मर सकते हैं? कह रहे हैं 6 एंड मैक्सिमम मर सकते हैं. सो बी टू 6 को मारेगी है ना. सिमिलरली गाइस बताओगे बी थ्री कितने एंड्स को मारेगी? तो कहने से 43 में से अभी 6 कम कर दो तो कितना बचा 37. 37 को 7 से डिवाइड करते तो क्वेश्चन क्या आएगा, 5 आएगा. ये समझ में आया सबको दोस्तों? इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था. चमका सबको? ठीक है चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन नाउ. पहला क्वेश्चन तो आसान था ठीक है, तो भी आप लोगों ने गलत दिया. तो ये क्वेश्चन का तो आज तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया, पता है हिस्टोरिकली जब भी कराया मैंने आज तक किसी ने सही दिया. लेट्स सी, क्योंकि टीटा है तो फ्लुक तो कर ही नहीं सकते, तो अभी आप लॉजिकली थोड़ा सोच के बताओ. मजा आएगा जब ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. नहीं होता है तो कोई खेद नहीं है ठीक है, बट अगर कर लिया तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा सही अप्रोच भी ले लिया. लिखते जाओ यार. Just look at the spread. 13 से लेके 44 तक 20 15. How many ants of type A are killed? Seven, 15. नहीं गाइस, नन ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. नहीं रितेश, नन ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट ठीक है. तो अभी इस क्वेश्चन को हम समझते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आराम से समझते, ध्यान से सुनना अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ठीक है. एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. देखो गाइस आप एक चीज मानते हो, ये टाइप ए के एंट है, तो टाइप ए के पहले 6 एंट तो बिल्कुल सेफ है, पहले 6 एंट बिल्कुल सेफ है. क्या आप ये मानते हो? हाँ दोस्तों यस और नो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो. क्यों? क्योंकि ये जो बी वन है वो सीधा पहले ए सेवन को मारेगा, जो बी टू है वो ए एट को मारेगा, जो बी थ्री है वो ए नाइन को मारेगा. क्यों? क्योंकि इसके लिए ये सेवेंथ एंट होगी. अब ये तो मर गई तो इसके लिए ये सेवेंथ एंट होगी, फिर ये मर गई तो इसके लिए ये सेवेंथ एंट होगी. क्या ये समझ में आया दोस्तों? तब तक कैन आई से ए वन ने बी फोर को मार दिया होगा, ए वन ने तो बी फोर को मार दिया होगा, तो फिर बी फोर तो किसी को मारेगी ही नहीं, सीधा बी फाइव आ जाएगी. क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? पहले एक बार जल्दी से यस नो लिख दो चैट बॉक्स में. मैंने अब तक जितना बताया क्या ये समझ में आया? राइट. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि कौन सी एंड सेफ है, और वो जो सेफ एंड है वो सामने वाले की कितनी एंड का सफाया कर रही है. तो गाइस मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये जो 6 एंड है ए टाइप की वो सेफ है, और ये जो 3 एंड है बी टाइप की, कह रहा है इसे ये भी सेफ है दोस्तों. ये 3 सेफ है. क्यों? क्योंकि जो ए वन एंट है वो क्या करेगी, सबसे पहले फोर्थ को मारेगी तो बी फोर को मारेगी, फिर ए टू के लिए फोर्थ एंट कौन सी हो जाएगी, ये वाली फोर्थ एंट हो जाएगी तो वो इसको मारेगी. ए थ्री के लिए फोर्थ एंट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तो वो इसको मारेगी. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन जल्दी से कंफर्म करो है ना. तो गाइज यहां पे मुझे एक चीज पता है कि ए की पहली 6 एंट सेफ है,
एंड बी की पहली तीन एंड सेफ है। तो गाइज हम ये देखते हैं कि ए की जो पहली छह एंड है ए वन टू ए सिक्स, वो बी की जो 60 एंड्स है उसमें से कितने एंड को मारेगी। तो कैन आई से ए वन विल किल, हमने अभी देखा था 15 एवरी फोर्थ एंड को मार देगी, मतलब 15 एंड को मार देगी। ठीक है, तो मैं यहां पे कुछ चीज बना रहा हूं, इसको समझो पहले खाली तो समझ में आएगा आपको। राइट, सो किल्ड लेफ्ट ऐसा लिख देते, किल्ड एंड लेफ्ट। तो कैन आई से ए वन क्या करेगी, 60 में से हर चार के मल्टीपल मतलब 15 एंड को मार देगी, तो बचेगी कितनी 45। क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों, जल्दी से यस यस लिखते जाओ अगर ये पार्ट क्लियर है। सिमिलरली गाइस ए टू है, अब वो ये 45 डिवाइड बाय 4 करो, 45 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 11, सो 11 को मारेगी। पहले मैंने 60 डिवाइड बाय 4 15 आया था, तो पहले ने 15 को मारा, अब ये 11 को मार देगी तो 34 बचेगा, 34 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा 8, तो A3 कितने को मारेगी 8 को मारेगी तो 26 बचेगा, फिर A4 कितने को मारेगी 6 तो 20, फिर 5 तो कितना आ जाएगा 15, फिर 3 तो कहने से 12 आ जाएगा। सो A5 ने 5 को मारा, A6 ने 3 को मारा। सो गाइस लेफ्ट बी टाइप लेफ्ट यहां पे, तो एक्चुअली कैन आई से A6 ने जब ये 6 एंड क्रॉस करती है, देखो ऐसा सिनारियो, जब ये 6 एंड है, ये 6 एंड मैंने यहां पे दिखा दिए, ये येलो कलर के ए वाले एंड है A1 टू A6, जब A1 टू A6 ने क्रॉस किया तो यहां पे कितने एंड्स बचे होंगे, कहने से 12 एंड्स बचे होंगे बी के। क्या ये समझ में आए दोस्तों, बी के 12 एंड्स बचे होंगे, ये सुनो। सिमिलरली दोस्तों अभी सुनो, कैन आई से ये जो तीन है, ये जो तीन एंड है वो कितने को क्रॉस किल करेंगे, सो B1 टू B3 A के कितने एंड्स को किल करेंगे, तो A के तो 50 ही एंड थे है ना। सो गाइस यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, पूरा फिर से टेबल बनाते हैं कि B1 कितने को किल करेगा एंड A लेफ्ट कितना है वो यहां पे लिखते हैं, तो कहने से ये 7 को करेगा तो 43 बचेगा, फिर B2 कितने को किल करेगा दोस्तों, B2 6 को करेगा तो 37 बचेगा, B3 5 को किल करेगा तो 32 बचेगा। समझ में आया, तो गाइस जब ये तीन एंड क्रॉस करेगी इनको, तो यहां पे A के कितने एंड्स बचे हैं, 32 एंड्स बचे, करेक्ट, A के 32 एंड्स बचे हैं। समझ में आया सबको दोस्तों, तो अब सिचुएशन क्या है वो समझो। ठीक है, अभी सिचुएशन आपका ऐसा है, ये A है और ये B ले लो, ये B ले लो यहां पे, ये B है। ठीक है, तो गाइस जब पहले 6 एंड में क्रॉस किया, A के पहले 6 एंड मतलब ये A6 है, यहां पे A1 है, सो A1 A2 A3 A6 ने क्रॉस किया, तो यहां पे अभी पीछे कितने एंड्स बचे बताओगे, कहने से 26 एंड्स बचे, ये सुनो दोस्तों, क्यों, टोटल कितने बचे थे 32, जब ये तीन क्रॉस करेंगे B1 से B3, जब A को क्रॉस करेंगे तो उसने कितने मार दिए A के, कहने से ये टोटल उसने 18 एंड्स मार दिए, तो 32 बचे हैं, 32 बचे हैं ना, तो 32 और ये आपके 6, तो टोटल 32 एंड्स हो गए। सिमिलरली ये तीन एंड्स है और यहां पे कितने बचे, 9 बचे। क्या ये समझ में आया आपको दोस्तों, यहां तक सबको समझ में आया। अब कैन आई से फोर्थ ऑनवर्ड्स हर एक एंड किल होता जाएगा, B4 B5 B6 वो तो किल डेफिनेटली होते जाएंगे, ये सुनो, तो ये 9 एंड तो डेफिनेटली किल होने वाले, तो फाइनली B के कितने एंड्स बचेंगे, 9 एंड्स बचेंगे, यस। सिमिलरली यहां पे भी तो 9 एंड्स किल हो गए इसके, यहां पे भी ये 9 एंड्स किल हो गए इसके, क्योंकि जो एंड मरती है वो सामने मारेगी भी तो सही ना, क्यों, क्योंकि ये जो एंड है अभी ये 7th एंड है, जो A7 होगी उसको मारेगी, फिर A8 को मारेगी, फिर A9 को मारेगी। क्या ये समझ में आ रहा है लॉजिक दोस्तों, है ना, तो यहां पे भी इसके 9 एंड्स मर जाएंगे, तो A के कितने एंड्स बचे, 32 माइनस 9 दैट इज फाइनली 23 अलाइव रहेंगे, B के 12 माइनस 3 मतलब सॉरी 12 माइनस 9
12 माइनस 9 मतलब कितने अलाइव रहेंगे, 3 अलाइव रहेंगे. दोस्तों दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्वड. समझे, जल्दी से एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में, यस और नो. बाप रे, मैं पहले ही कहा था अच्छा लॉजिक है यार. अच्छा बाकी लोगों को कोई रिप्लाई नहीं करना है क्या दोस्तों? सो शैल आई स्टॉप टेकिंग द क्लास? अरे मैंने क्या पूछा, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको यस नो लिखना है, ठीक है? पूरा मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया कि हम क्यों ये B1 टू B3 देख रहे हैं, ठीक है? हम ये B1 टू B3 एंड A1 टू A6 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये तीन सेफ एंड है, वो सिर्फ सामने वाले को मारेगी. सिमिलरली A6 टू A1 सेफ है क्योंकि 7 से ऑनवर्ड्स वो मरना शुरू होगी ना. पहली छह एंड को तो कोई नहीं मारेगी क्योंकि बी ए की हर 7th एंड को मारता है, तो A1 टू A6 को कोई नहीं मारेगा. तो हमने उसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन किया. अभी क्लियर गाइस? ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा. ठीक है, या जस्ट अ मोमेंट. तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं. हाँ बस वही बताए, वही करना है, एनिमेशन ही लगाना है अभी. एंड चल के आएगी, दाएं दाएं तलवार वलवार आएगी. फिर आप कहोगे सर ये एंड को आपने जो रेड कलर का कपड़ा पहनाया था ना सूट, उसके बटन अच्छे नहीं थे, थोड़ा अच्छा सूट पहना दे, फाइट कर रही है बेचारी. फिर मैं वो भी कर लूंगा. तो मतलब आपके डिमांड की कोई लिमिट नहीं रहने वाली है कि नहीं, सच्ची बताओ. चलो तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी एंड्स ऑफ टाइप बी आर अलाइव एट द एंड ऑफ वॉर? Can I say? हाँ हाँ अरे रितेश ठीक है ना, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं. ओके नहीं नहीं दिस इज नॉट अ पीवाईक्यू भाई. इन टोटल हाउ मेनी एंड्स आर किल्ड इन द वॉर? तो गाइस टोटल वॉर में कितने एंड्स किल हुए? चलो इसका तो आंसर बता दो अभी. अगर कुछ भी समझ में आया है तो इसका आंसर तो बता दो. अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो तो बता दो. अभी इतना सारा तो मैंने करके दिया. कम ऑन गाइस, हाउ मेनी एंट्स आर किल्ड इन द वॉर? और कोई आंसर? यार अब भी मैंने कहा कि ए के 23 अलाइव है, बी के 3 अलाइव है, तो टोटल 26 अलाइव है. टोटल एंड्स कितने थे? 50 प्लस 60, 110 से 26 अलाइव है, तो डेड कितने हो गए? 84 हुए कि नहीं, है ना? देखो आपका ध्यान कहां पे है. चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन वंस अगेन, अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन. तो गाइस यहां पे क्या दिया है, यूज द ग्राफ व्हिच रिफर्स टू द करेंसी रेशियो ऑफ 20 जून टू 27 जून टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, करेंसी रेशियो दिया है दोस्तों. ठीक है, 20 जून टू 27 जून मतलब ये डेट है यहां पे, राइट? और ये रेशियो वैल्यू है, रेशियो वैल्यू. अब देखो अगर सपोज मैं INR टू डॉलर रेशियो आपको देता हूं 81, सपोज इसका मतलब ये हुआ गाइस, INR टू डॉलर रेशियो 81 है, मतलब $1 is equal to 81 इंडियन रुपीस. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? है ना, आप ऐसे ही करते हो ना, ये बेसिक चीज है, राइट? तो कीपिंग दिस इन माइंड गाइस, यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस. चलो लेट्स ट्राई फॉर दैट.
Select your answer in the poll, guys. Sure. On 22nd June, how many NPR would be equal to value of INR 4000? ठीक है, so हमें NPR to dollar पता है and हमें INR to dollar पता है, ठीक है? Guys, तो हमें NPR to INR निकालना है, समझ में आ रहा है सबको? है ना? Sure. तो guys यहाँ पे देखते हैं कि one NPR is equal to how many dollar हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, NPR to dollar ratio दिया है ना, मतलब denominator वाला ऊपर रखो. $1 is equal to, guys ये कितना दिख रहा है? Can I say 80 point something है? So 80 point क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे. Do you all agree? $1 is equal to 80.2 NPR, right? Similarly यहाँ पे हमें दिया हुआ है one INR. $1 is equal to guys हमें कौन से डेट की बात है? 22nd को लेना है. Sorry, 22nd को exactly 80 है. Exactly 80 है, right? ठीक है. And 22nd को ये रेट क्या है? So definitely ये 46 से थोड़ा ऊपर है, तो 46.2 लेंगे. So $1 is equal to 46.2 INR होगा. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, तो गाइस कैन आई से 46.2 INR इज इक्वल टू 80 NPR? दोस्तों 80 NPR है ना. सो हमें पूछा है 4000 INR कितना होगा, 4000 INR कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? कैन आई से 4000 × 80 / 46.2 करेंगे कि नहीं? तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा. क्या ये सबको समझा दोस्तों? एक बार जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में. देखो 22nd की बात है, तो 22nd को मैंने डॉलर टू रुपी का रेट देखा कि $1 इज इक्वल टू 46.2 रुपीस. $1 इज इक्वल टू 80 NPR. तो कैन आई से 46.2 INR शुड बी इक्वल टू 80 NPR. ये रेशियो हमें मिल गया. तो 46.2 INR इज इक्वल टू 80 NPR, तो 4000 कितना होगा? अब ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? सो ये आपका आ जाएगा, एक्चुअल आंसर आपका आएगा 6956 के आसपास कुछ आएगा, 6956. क्या ये क्लियर है सबको दोस्तों? चलो, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस वैरायटी. ट्राई फॉर दिस. क्या सोच के करना?
इफ दी एनपीआर डॉलर रेशियो फॉलोज द सेम ट्रेंड फ्रॉम 27 टू 30 एज फ्रॉम 24 टू 27. गाइस अब यहां पर देखो एनपीआर डॉलर 24 टू 27 कितना हो रहा है, तो कहने से 80 का 81 हो रहा है. 80 का 81 हुआ मतलब इट हैज बिकम 81 बाय 80 टाइम्स. तो आगे भी क्या होगा, वो 81 बाय 80 टाइम्स होगा, है ना, आगे भी वो 81 बाय 80 टाइम्स होगा. तो 81 का स्क्वायर क्या होता है, 6561 डिवाइड बाय 80 आपको करना है. सो गाइस ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, कहने से 82 पॉइंट समथिंग आएगा. यू ऑल अग्री 82.1 या ऐसा कुछ आएगा, चेक करो, देखो अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो. अच्छा एक और चीज बता दो, सुनो ध्यान से गाइस, अगर मैं कहता हूं 80 का 81 हुआ, मतलब कैन आई से दिस इज क्लोज टू 1% इंक्रीज, मतलब एग्जैक्टली देखोगे तो 1.125 या ऐसा कुछ परसेंट आएगा, 1. some percent का इंक्रीज आएगा. ठीक है, तो आगे भी आप उसको अप्रोक्सीमेटली 1 से इंक्रीज कर दो, ठीक है ना, तो मतलब ये 82 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 82.1 कर दो यार, समझ में आ रहा है ये दोस्तों. तो यहां पे आप 82.1 या ऐसा कुछ वैल्यू ले सकते हो. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ $150 ऑन 30 जून, तो गाइस आपको इसको 150 से मल्टीप्लाई करना है ना. तो अभी देखो 150 इंटू 80 कितना होगा, 12,000 हो जाएगा, प्लस जस्ट मोमेंट हाँ गाइस, या ये आपका कितना आ रहा है, नहीं 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 भाई, ट्रेंड मतलब जितने परसेंट से यहां पे चेंज हुआ है आगे भी उतने ही परसेंट से चेंज होगा, दिस इज व्हाट इट सेज, आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो ये थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए एक्चुअली, प्लस 300 के आसपास कुछ आना चाहिए, तो इट शुड हैव बीन 12,300 समथिंग गाइस. तो यहां पे आंसर है ना 12,315 होना चाहिए था, समझ में आ रहा है दोस्तों. हाँ ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ऐड होगा ना, एक सेकेंड, अगर अगर हम एग्जैक्टली इसका आंसर निकालते हैं ना, सो क्या आएगा बताए, करेक्ट यही आपने जो बताया वही आ रहा है एक्चुअली, हमने यहां पे 0.1 लिया है बट वो इतना ज्यादा नहीं आएगा. सो गाइस दिस विल बी क्लोज टू 12,300, इट शुड बी 12,300, तो ये तो गलत है ना, इसमें आंसर आपका 12,300 होना चाहिए था. चलो let's try for one more guys now. एक्चुअली बताए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली आंसर 12,150 ही आएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली 80 नहीं है, ये थोड़ा सा 80 से ज्यादा है और ये थोड़ा सा 81 से कम है. दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देम 80 पॉइंट समथिंग है और ये 80.9 या ऐसा कुछ लिया है. तो अगर आप ये परसेंटेज चेंज देखोगे इसके हिसाब से करोगे यहाँ पे, है ना, सो दिस विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक, बट स्टिल इट शुड बी मोर देन 12,150 फॉर श्योर. ठीक है एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन.
हेमंत यू कैन सी द सेशन वंस अगेन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, थोड़े समय बाद वो रहेगी, तो अभी के लिए अटेंड कर लो, फिर जो भी आपको कंफ्यूजन लगा या जिसको भी वापस ट्राई करना है आप आके कर सकते हो, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री, इट्स कंप्लीटली फ्री. तो देखो अब बाइक कॉस्ट $1,000, अमन हैज दिस दिस दिस, ठीक है, ही वुड बी एबल टू बाय द बाइक ऑन 23rd जून यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. सो गाइस 23rd जून को किसको वो यूज करके परचेज कर सकता है, तो कैन आई से 23rd जून को अगर मैं INR का वैल्यू देखता हूं, सो गाइस INR का वैल्यू कितना है, कैन आई से 45.5 है. सो $1 इज इक्वल टू 45.5, सो कैन आई से $1,000 विल बी इक्वल टू 45500, तो वो डेफिनेटली उससे परचेज कर सकता है. अब अगर मैं 23rd जून को डॉलर टू यूरो देखता हूं तो क्या है, कैन आई से डॉलर टू यूरो इज 1.6 से थोड़ा सा ज्यादा है. वंस अगेन ये एक कंफ्यूजिंग है, ये 1.6 नहीं है, 1.6 से थोड़ा सा ज्यादा है. तो अगर मैं 1.6 भी ले लेता हूं, सो अगर मैं ले लेता हूं 1 यूरो इज इक्वल टू $1.6, ठीक है गाइस, तो कैन आई से 600 यूरो will be equal to $960, सिर्फ $960 ही होगा, तो बाइक तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा. सिमिलरली NPR भी नहीं चलेगा, NPR 80,000 तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, NPR तो हमारे पास कितने 77,000 ही है, राइट. चलो ट्राई फॉर दिस. Sure, let's understand. Guys, on 18th June, the INR to dollar ratio, 18 June, was 43.5. On that day, INR 6,000 would be equal to. अब हमें INR to dollar ratio दिया है, but euro का तो हमें पता ही नहीं है. Guys, हमें 18 June को euro कितने का है क्या वो पता है? नहीं पता है तो नहीं निकाल सकते. क्या ये समझ में आया दोस्तों? ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग वन कैट लेवल सेट, ठीक है एवरीवन, सो लेट्स ट्राई फॉर दिस. चलो गो थ्रू द डेटा. सो दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी सॉल्व इन प्लस, ठीक है, ये मैंने बहुत पहले एक प्लस क्लास में कराया हुआ है, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया. सो दिस इज फ्रॉम माय वन ऑफ द प्लस क्लास.
So information about the prices of steel varieties for 4 months for three companies are given below. 4 month का आपको डेटा दिया है, 3 कंपनी का डेटा है. Figure 1 shows the market prices per 1000 kg in rupees of HRS and CRS. अब HRS क्या है यहाँ पे लिखा है, CRS क्या है वो यहाँ पे लिखा है. And figure 2 indicates HRS prices per kg in January for SR, SAIL and Tata Steel as a multiple of prices in October 2019. ठीक है गाइस, अक्टूबर में जो प्राइस था उसके कितने मल्टीपल का उनका प्राइस है वो उधर दिया हुआ है. क्या ये समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, मतलब डेटा को थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. फिगर 1 शोज द मार्केट प्राइस पर 1000 केजी इन रुपीज ऑफ एचआरएस एंड सीआरएस फॉर 4 मंथ्स. 4 महीने के प्राइस यहाँ पे दिए है एचआरएस सीआरएस पर, कौन सी कंपनी का क्या प्राइस है वो नहीं पता है. ठीक है, फिगर 2 इंडिकेट्स एचआरएस प्राइसेस, सीआरएस नहीं, सिर्फ एचआरएस के प्राइसेस पर केजी इन जनवरी 2020 फॉर दिस थ्री कंपनीज एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइसेस इन अक्टूबर 2019, है ना. तो गाइस जनवरी में क्या प्राइस था, अक्टूबर के कौन से मल्टीपल का था, वैल्यूज इन ब्रैकेट्स आर एब्सोल्यूट प्राइसेस फॉर जनवरी 2020. ठीक है, और ये सारे पर केजी प्राइसेस है, ये सारे पर केजी प्राइस है और तीनों कंपनी के. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ये मार्केट प्राइस है और ये इनके स्टील के प्राइस है. तो एक कंपनी है उनके प्राइस क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, ये दो अलग अलग चीज हो गई. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये आंसर करना है. व्हाट वाज द प्राइस ऑफ प्राइस पर 1000 केजी ऑफ एचआरएस मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल इनटू द अक्टूबर 2019. थोड़ा सोचो और करो. ये इजी क्वेश्चन है, इंटेंशनली इजी रखा हुआ है. दोस्तों अक्टूबर में अगर प्राइस एक्स है, हमें फिगर 2 में क्या दिए है, एचआरएस प्राइसेस इन जनवरी एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइस इन अक्टूबर. तो अक्टूबर में एक्स है तो जैन में कितना होगा, 5.2 टाइम्स एक्स होगा और वो प्राइस हमें दिया है ये वाला 44.2, क्योंकि सेल का ये वाला है ना. तो गाइस ये अक्टूबर का प्राइस क्या आ जाएगा, 44.2 डिवाइड बाय 5.2 अप्रोक्सीमेटली 8.5 आएगा. सो रुपीज 8.5 पर केजी है तो फॉर 1000 केजी कितना हो जाएगा, 8500 फॉर 1000 केजी हो जाएगा कि नहीं. हमें 1000 केजी का निकालना था, बस वो चीज का ध्यान रखना, 8.5 टिक मत कर देना. क्या ये समझा? इट वॉज स्लाइटली इजी आई बिलीव. ठीक है, श्योर, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन.
So guys, find the approximate ratio of percentage increase in the market price of HRS for Jan 2020 over previous month to that of HRS for November 19 over the previous month. ठीक है, अब दो चीजों का हमें रेशियो फाइंड करना है. रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ एचआरएस फॉर जैन 2020 ओवर द प्रीवियस मंथ. सो गाइस, एचआरएस मतलब ये हो जाएगा ब्लू कलर, ठीक है ना, सॉरी एचआर, हाँ एचआरएस मतलब ब्लू कलर है. तो जैन 2020 ओवर प्रीवियस मंथ, ये कितना परसेंट का इंक्रीज है दोस्तों, बताओगे? 38,000 का 44,000 हो जाना, 38 का 44 हो जाना, कैसे 6,000 का इंक्रीज हुआ आपका दोस्तों, 6,000 का इंक्रीज, 6,000 ओवर 38,000. गाइस, कैन आई से इट इज डेफिनेटली लेस देन 1/6, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कुछ 15% या ऐसे ले सकते हो, है ना. और हमें किसका निकालना है, द मार्केट प्राइस ऑफ एचआरएस फॉर नवंबर 19 ओवर द प्रीवियस मंथ, नवंबर 19 ओवर द प्रीवियस मंथ. 20 का आपका कितना हो रहा है, 25,700, 26 हो रहा है, ठीक है. तो 20 का अगर मैं 25 ही लेता हूं तो कितना आएगा ये गाइस, ये मेरा कितना आ जाएगा, कह रहे से 20 का 25 होता तो 25% आता, तो ये यहां पे 26% आएगा और ये 15% से थोड़ा सा कम आएगा, एक्चुअली 14% आएगा. सो कह रहे से दिस इज क्लोज टू 0.5. यस दोस्तों, आई मीन दिस रेशियो विल श्योरली बी मोर देन 0.25, इट विल बी लेस देन 1. तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. कि अगर ऑप्शन ऐसे होते 0.5, 0.7, 0.4 ऐसे कुछ होते तो हमें एग्जैक्ट करना पड़ता, और यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन से कर सकते हो. क्या ये क्लियर है सबको दोस्तों, जल्दी से एक बार बता दो, इज दिस क्लियर? शैल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई फॉर दिस. नहीं निलंबा, सीमेंट के लिए अभी तो कुछ नहीं है, फ्री क्लासेस है जो मैं YouTube पे कंडक्ट करता हूं. या रवि, यू कैन डेफिनेटली, क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है, कैट का सिलेबस तो सेम ही रहेगा. बट रवि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, तुम 2021 का जो मेरा वीडियो है ना वो देखने की जगह पे 2022 का लक्ष्य बैच वाला देखना, इन केस इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू इट थ्रू सेल्फ प्रिपरेशन. एवरी ईयर यू नो आई कम अप विद बेटर वेराइटी, और थोड़ा सा कैट पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से अलग टाइप के आते हैं, राइट. तो वो देखो, जितने लेटेस्ट वीडियो है ना वो देखना, मेरे फायदा होगा उससे ज्यादा. जैसे बेसिक्स का आप 2021 वाला देख सकते हो, वो तो बेसिक ही रहेगा, ठीक है. ओके सो गाइज, अप्रोक्सीमेटली, सॉरी गाइज, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ एचआरएस मैन्युफैक्चर्ड बाय एसआर स्टील, एचआरएस मैन्युफैक्चर्ड बाय एसआर स्टील इन अक्टूबर, ठीक है. एसआर स्टील, एचआरएस, अक्टूबर, ये तो जैन का प्राइस है, तो एचआरएस का, एसआर का प्राइस क्या होगा अक्टूबर में, कैन आई से जैन के प्राइस को हमें किससे डिवाइड करना होगा, 2.8 से, ये एसआर स्टील का प्राइस होगा.
अप्रूव्ड इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ एचआरएस मैन्युफैक्चर्ड बाय एसआर स्टील इज द प्राइस ऑफ एचआरएस मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा स्टील इन अक्टूबर 2019. टाटा स्टील का एचआरएस का प्राइस कितना है? तो दोस्तों आप कह सकते हो बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ, ऑफ के बाद में जो आता है ना वो डिनोमिनेटर में जाता है दोस्तों, तो ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा, ये जो वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा. अब न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा? 439.3 डिवाइड बाय 3.5, ये न्यूमरेटर में आएगा और परसेंटेज है तो इनटू 100 करो. दोस्तों क्या ये समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है कि किसको डिनोमिनेटर में रखना है किसको न्यूमरेटर में रखना है. तो गाइस ऑफ के बाद में जो भी आता है वो डिनोमिनेटर में जाता है. तो एसआर स्टील अक्टूबर की बात है तो एसआर को हमें डिनोमिनेटर में रखना है और टाटा को हमें न्यूमरेटर में रखना है, इनटू 100 करना है. ठीक है, तो एसआर का कितना आएगा? 19 डिवाइड बाय 2.8. टाटा का कितना आएगा? 439.3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा ये? 439.3 डिवाइड बाय 3.5 इनटू 100 करना है. अब ऐसे क्वेश्चन में आप अब अगर ऑप्शन देखोगे बहुत ही क्लोज है गाइस, 1850 1925 एंड तो आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए एंड यू कैन सॉल्व इट विद कैलकुलेटर, वो बेटर रहेगा. अगर आप थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन करने जाओगे तो आंसर में फर्क आ सकता है, तो उसको एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस इज लाइक 439 into 2.8 डिवाइड बाई 3.5 into 19 into 100. 19 3 57 प्लस हाफ तो 66.5 आएगा ये. ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. राइट, तो गाइस ये आपका क्या हो गया? 439 into 28 डिवाइड बाय 665 है ना, राइट, इनटू 100. सो ये आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1850% के आसपास आएगा, ये आएगा. अभी क्लियर दोस्तों? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बहुत पढ़ाई कर ली आज के लिए, इतना ही रखते हैं. So, उम्मीद करता हूं आपको आज के सेशन से फायदा हुआ होगा. वंस अगेन वी हैव प्रैक्टिस सम न्यू वैराइटीज. अभी हमारा सेशन रहेगा मंडे को, ठीक है, तो सब लोग श्योर कर लेना कि मंडे 8 बजे रहेगा वापस. सो मंडे ट्यूसडे 8 बजे रहेगा, फिर वेनसडे से अल्टरनेट डे हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मेरा प्लस बैच शुरू हो रहा है वेनसडे से, तो अल्टरनेट डे हो जाएगा, एक दिन फ्री क्लास एक दिन प्लस क्लास ऐसा हो जाएगा. सॉरी, दिस इज द लीड बोर्ड गाइस. पता नहीं यार वो लोग ग्रुप ही क्यों ज्वाइन करते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है. ठीक है, सर आई हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन रिलेटेड क्वेश्चन, एज माई प्रोफाइल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इज देर एनी क्वेरी सेशन यू प्रोवाइड? नहीं रवि, आप हैंडरेज नहीं, बट आप हैंडरेज भी नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे पोस्ट करो. ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्वेरी सेशन, नेक्स्ट सेशन में लास्ट में आप पोस्ट कर देना. ठीक है ना, अगर आप प्लस होते तो आई वुड हैव डिस्कस्ड पर्सनली विथ यू, बट सिंस यू आर नॉट अ प्लस स्टूडेंट तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, मैं सेशन में एड्रेस कर दूंगा आपको. ठीक है, मतलब SHA-10+ यूजर होना चाहिए, कोई भी प्लस नहीं गाइस. सो इफ यू आर अ SHA-10+ यूजर डेफिनेटली शेयर द स्क्रीनशॉट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड डायरेक्टली यू कैन टॉक टू मी. सो कम स्टूडेंट्स क्वालिफाई क्वालिटी क्लास. हाँ बेटो. नहीं मैंने देखा है काफी सारे रेगुलर स्टूडेंट्स है. ठीक है, जैसे अगर ये क्लास में मैं देखूं तो आप आते हो, उदय आता है, रक्षित आता है रेगुलरली. ठीक है, अविरल भी आता है, अविरल तो आईपी मैट का कर रहा है, पता नहीं अविरल तुमने चेंज कर दिया क्या, तुम इसको टारगेट कर रहे हो कैट को. काजल भी काफी रेगुलरली अटेंड करती है. फिर और मैंने किस किस को रेगुलरली देखा है, देयर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स, अभी नाम नहीं दिख रहे हैं मुझे उनके. नूरुल रेगुलरली अटेंड करता है, करेक्ट. रविशंकर भी करता है, रविशंकर ने अभी वापस शायद जो है, हाँ विशाखा अटेंड करती है.
अंशिका अटेंड करती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब देर आर अबाउट 50-60 स्टूडेंट्स जो मैंने देखे बहुत रेगुलरली अटेंड करते हैं और मुझे उनके नाम याद रहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली जब वो स्टूडेंट्स, हाँ विशाखा तुम्हारा नाम लिया कि नहीं मैंने, हाँ अदर साइंकत ऑल्सो करेक्ट, देर आर टू साइंकत, एक साइंकत है दूसरे साइंकत है, हाँ। पर तो जितने रेगुलरली अटेंड करते हो, देखो मेरे सामने जब भी मैं सुबह टेलीग्राम ओपन करता हूँ या दोपहर में टेलीग्राम ओपन करता हूँ ना, 50 मैसेजेस होते हैं गाइस, डेफिनेटली मैं पहले आप किसका मैसेज देखूंगा, अगर साइकत ने किया है, विशाखा ने किया है, उदय ने किया है, तो मैं उनका देखूंगा, ठीक है। तो वही बेनिफिट होता है आपको अगर आप रेगुलरली किसी को भी फॉलो करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ही करो, बट रेगुलरली करो, जिसका भी अटेंड करो यार, एटलीस्ट मेरे केस में तो मैं ये करता हूँ, मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, मैं अपने प्लस स्टूडेंट्स को तो मैं टैग ही करके रखता हूँ, तो उनकी क्वेरी सबसे पहले है, चाहे आप अटेंड करो या ना करो, वो तो मुझे ऑफकोर्स फर्ज बनता है मेरा, और बाकी सारे जो रेगुलर भी स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनके डाउट्स एड्रेस करो। सर इस साल की मॉक्स का लेवल कैसा होगा, अभी कुछ बता नहीं सकता मैं, आएगा तो बताऊंगा, ठीक है, चलो दैट्स इट गाइस, कीप लर्निंग।